हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं पनौत के छोटे नाले से। तो अभी मैं आया था इस जगह पर और सुबह के समय आप देख पा रहे होंगे ये सुबह मॉर्निंग साइट सीन के लिए सभी जिप्सियाँ जा रही हैं। तो कुछ इस तरह से अभी सुबह मॉर्निंग के समय जिप्सियों से साइट सीन कराया जा रहा है जो कॉर्बेट में आ रहे हैं बाहर से लोग, जैसे कि अन्य स्टेट से। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं जिन्हें करना होता है साइट सीन और करना होता है यहाँ के नेचर को एंजॉय और वाइल्ड लाइफ को करना होता है वॉच, तो वो लोग सुबह के समय और शाम के समय अभी कर रहे हैं यहाँ पे साइट सीन। तो अभी सारी ये जिप्सियाँ साइट सीन के लिए जा रही हैं। तो ये था सुबह का समय जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और साथ ही आज दिन भर देखेंगे क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आपको सामने की ओर दिखाऊं तो सामने ये देखिए सूर्य देवता जो कि अभी आते हुए नज़र आ रहे हैं सामने से। तो बेहद ही सुंदर नज़ारा है ये, और सूर्य देवता अभी आने लगे हैं। तो दोस्तों, अभी आ चुका हूँ मैं अपने घर से धनगढ़ी की तरफ को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी धनगढ़ी की तरफ, और काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं इस जगह पे गया नहीं हूँ। तो आज मुझे लगा कि क्यों ना आपको इधर की हलचल दिखाई जाए, जैसा भी होगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी इससे पहले इस जगह पे प्लांटेशन था नहीं, क्योंकि सभी सावन के पेड़ जो थे वो उखाड़ दिए गए थे फॉरेस्ट द्वारा। तो अभी फिर से उस जगह पे प्लांटेशन दोबारा से कर दिया गया है और पेड़ों की हाइट भी हो चुकी काफ़ी बड़ी, तो उससे थोड़ी वाइल्ड एनिमल्स देखने को कम ही मिल पा रहा है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको वाइल्ड एनिमल्स से कराऊं रूबरू। सो इसी बात को आप ध्यान में रखिए कि आप वाइल्ड एनिमल्स देखेंगे और ब्लॉक में बने रहेंगे।
तो अभी मैं तो आ चुका हूँ वापस, क्योंकि आज वाइल्ड एनिमल्स कुछ देखने को मिल नहीं पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले इस जगह पे थे काफ़ी सारे सावन के और अदर पेड़ भी थे, तो जिनकी लॉपिंग हो चुकी है और अब पेड़ वो है नहीं, और दोबारा से फॉरेस्ट विभाग द्वारा उस जगह पे प्लांटेशन किया गया है, जिसकी वजह से पेड़ काफ़ी सारे बड़े हो चुके हैं और हाइट में ठीक ठाक हो चुके हैं, जिससे वाइल्ड एनिमल्स थोड़ी देखने में हो जाती है तकलीफ, तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाकी यही चीज़ें हैं जो सामने आप देख पा रहे हैं, और अभी मैं आपको ले आया हूँ। अभी यह है हमारे यहाँ का बनूत का बड़ा नाला, जहाँ पर कि बन रहा है ये फ्लाईओवर, जिसका काम हो चुका है पेंडिंग, तो अभी इसका काम पेंडिंग है। और बरसात के समय में इस जगह पे काफ़ी ख़तरनाक नाला आ जाता है, एक बार तो इस नाले ने बस भी बहा दी थी। तो आप देखिए सामने इस नाले में अभी पानी है, और ये सामने है पनौत का बड़ा नाला। तो अभी मैं तो फ़िलहाल पहुंचने वाला हूं अपने गांव के पास में, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने ये लास्ट हिस्सा है जहां से हो जाता है गांव स्टार्ट, जहां पे कि ये कार आती हुई नज़र आ रही है। तो अभी आपको दिखाऊं, ये सामने है मेरे यहां पे वुड हिल का प्लांट, जो कि अभी ये फ्लाईओवर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसके लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो दोस्तों सामने अभी देखिए वेदर कितना सुहाना हो रहा है, और साथ ही अभी शाम के समय, जैसा कि अभी बजने को जा रहा है 5 से 5:30 का समय होने को जा रहा है, तो अभी सामने आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग, और इन लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही इस जगह पर सामने की ओर, जहां पर कि मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूं, सामने जो ये पेड़ है बीच वाला, तो इस पेड़ पे को देखा था लेपर्ड। तो अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो मैं आ चुका हूँ साइड में कि उस जगह पे ना हो भीड़, जैसे ये भीड़ कम होगी तो शायद फिर से वो उस जगह पर आए, और मैं आपको अगर लगा तो मोमेंट आपको दिखा पाऊँगा अगर वो दोबारा उस जगह पर आता है। तो अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो बने हुए हैं, चाहते हैं उसे वॉच करना, बट डिपेंड तो उस पर करता है कि वो हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो अभी सारे लोगों की नज़र, आप देखिए सारे लोगों की नज़र अभी उसी तरफ है, सारे लोग सोच रहे हैं कि उन्हें लेपर्ड देखने को मिल जाए। ये देखिए इस डॉग को लेपर्ड की गंध आ चुकी है, और अभी ये फुली एग्रेसिव हो चुका है, शायद इसने उसकी गंध महसूस कर ली है दोस्तों। तो सामने इस जगह पर इस जामुन के पेड़ के पास में कुछ देर पहले देखा था यहाँ पे यहाँ के लोकल लोगों ने लेपर्ड, और अभी हम लोग काफ़ी देर से इस जगह पर बैठे हुए थे, तो अभी अचानक से देखिए कुत्ता कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, और शायद ये इसलिए भी भौंक रहा है क्योंकि अभी हम इस जगह पर हैं तो इसे हमारा सहारा मिल रहा है। देखिए डर रहा है और भाग रहा है, डर के भाग गया, उसे महसूस हो गया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा है। देख रहे हैं वहाँ जाकर भी भौंक रहा है अभी वो।
अभी काफ़ी देर से कर रहा था लैपट का इंतज़ार कि दोबारा से देखने को मिले, मगर लैपट तो दोबारा आया नहीं, तो काफ़ी वेट कर चुका हूँ। तो फिर से कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे ट्राई कि लैपट देखने को मिले। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे और भी ब्लॉग्स आप देख सकते हैं जिनमें कि आपको भरपूर मात्रा में वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।